अब गेमिंग लैपटॉप चाहे कितना भी महंगा ले लो, 60,000, 70,000, 1,00,000 पर, तो मुझसे एक सवाल जरूर पूछते हो यार, गेमिंग हेडसेट बता दो कोई 1,000-1,500 की रेंज में। तो चलो मुंह लटकाने वाली बात नहीं है, तो बहुत टाइम से लोग मेरे से पूछे थे 1000 से लेके 1500 की रेंज में कोई हेडसेट बताओ। तो अभी कुछ दिन पहले एक्सा वालों ने मुझे हेडसेट भेजा जिसका प्राइस है सिर्फ 1200 रुपए, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये प्राइस है, बाकी चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता। बाकी कोई ऑफर चल रहा हो या रेट ज्यादा हो कम हो तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर लेना, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा प्राइस का। तो आज हम करेंगे इसको अनबॉक्स, करेंगे फुल रिव्यू, माइक टेस्ट, साउंड टेस्ट सब कर देंगे एक ही वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, पहली बार आया तो भाई साहब लाइक मार दो, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अनसब्सक्राइब का रेशियो 90% चल रहा है, सिर्फ 10% लोग हैं जो देख रहे, भाई गलत गलत बात, सब्सक्राइब अभी, लाल को ग्रे करो फटाफट से। वेल डन। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने के मिलता है, यहाँ पे एक्सा की ब्रांडिंग है या मॉडल लिखा है या गेमिंग हेडसेट लिखा है, और यहाँ पे लिखा है किस किस से कंपेटेबल है, बट यहाँ पे मैक्सिमम PS4 लिखा है, बट ये PS5 पे भी हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो और कुछ खास ज्यादा बॉक्स पे देखने लायक नहीं है, फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकलता है हमारा गेमिंग हेडसेट, उसके बाद कुछ ये पैकिंग देखने के लिए मिलती है, उसके बाद निकलती है हमारी एक यूजर मैनुअल जिसको भाई हम कभी नहीं पढ़ते, मतलब हेडफोन में यूजर मैनुअल मुझे नहीं लगता कंपनी को, पेपर बचा लेना चाहिए ये प्लीज मेरा सजेशन है, इसको हटा दीजिए। और जिनके पास PC है उनके लिए एक स्प्लिटर। तो सब कुछ रखते साइड में और हेडफोन में नजर मारते हैं। तो कुछ ऐसा हेडफोन आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे इसका एडजस्टेबल माइक है, यहाँ से कुछ रेड कलर का है, यहाँ पे ये रबर टाइप की ग्रिप है, बाकी ऊपर से ये प्लास्टिक बिल्ड है, और यहाँ पे आपको कुछ एक फायर वायर का डिजाइन बना हुआ है, और यहाँ पे एक्सा की ब्रांडिंग है, बाकी ये भी पूरा का पूरा प्लास्टिक में, और काफी ठीक ठीक एवरेज क्वालिटी के इसके ईयर गैप्स है, और यहाँ पे लेफ्ट राइट मेंशन है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट। और यहाँ पे आपको एक USB देखने के लिए मिलता है और एक 3.5mm जैक। तो अगर आप ऑनलाइन इसकी फोटोज वगैरह देखोगे Amazon पे, तो USB भी दिखाई गई है और 3.5mm जैक भी दिखाया गया, तो कंफ्यूज मत होना, ये 3.5mm वाला ही है, बट जो इसका USB पोर्ट है उससे इसकी लाइट्स जलती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो फायर वाला डिजाइन, अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसी लाइट्स लगती है इसके अंदर। बाकी अगर बिल्ड की बात करूं तो एवरेज क्वालिटी की बिल्ड है, कोई ऐसा हैवी वाला हेडसेट नहीं है, अब आप 1200-1200 में ज्यादा उम्मीद मत करना कि आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। और जो वायर की क्वालिटी है वो ब्रेडेड नहीं है, बट काफी थिक वायर है, वायर की क्वालिटी ओवरऑल काफी ठीक लगी मेरे को। और सेंटर में आपका हेडसेट कंट्रोलर, और यहाँ पे साइड में आपको वॉल्यूम स्लाइडर देखने के लिए मिलता है, और दूसरी तरफ आपका माइक ऑन ऑफ स्विच है, तो अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या फिर कोई क्लास वगैरह ले रहे हो तो उसमें आप अपना माइक स्विच ऑफ और ऑन कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। तो अब मैं आपको इसका माइक टेस्ट कराता हूँ, अब जो आप इसके बाद आवाज सुनोगे वो इसके माइक की होगी। सो गाइस, अब जो आप आवाज सुन रहे हो वो इसके माइक की है, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूं क्योंकि मेरा PC यहाँ पे है, और ये बेसिक रिकॉर्डिंग है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई डेसिबल्स नहीं छेड़े, कोई इफेक्ट नहीं है, जस्ट डायरेक्ट एक रिकॉर्डेड आवाज आप सुन रहे हो। और वैसे मैं इसका माइक चेक कर चुका हूँ, ठीक है, जिस प्राइस बजट में आप अगर लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हो अपने दोस्तों गेम खेलोगे तो उनको सही सही आवाज सुनाई दे जाएगी, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई साहब ना मजा नहीं आ रहा आवाज सुन के, वैसा कुछ नहीं है। तो ये तो थी हेडफोन के आउटर्स की बात, अब करते हैं इसको PC से कनेक्ट, थोड़ी बहुत गेमिंग करके देखते हैं और दिखाते हैं आपको कैसी इसकी लाइट्स है, थोड़ी अंधेरा अंधेरा करके समझ रहे हो ना तुम, एकदम गालियां होनी चाहिए, और फिर हम बात करेंगे कंक्लूजन की। अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की कि आपको हेडसेट ये लेना चाहिए या नहीं। देखो ओवरऑल मैं बता देता हूं, इसकी जो साउंड क्वालिटी है, पहली बात तो जो मल्टीमीडिया वाले लोग हैं ना, जिनको तड़कते भड़कते गाने सुनने और ऐसी चीजें हैं, मतलब मल्टीमीडिया वाला टास्क है पूरा, तो उनके लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी साउंड ऐसी खास नहीं है। साउंड थोड़ी सी क्रिस्प है जैसी गेमिंग में जरूरत होती है, बट वैसी वाली लाउडनेस नहीं है जैसे एक मल्टीमीडिया में चाहिए होती है, बेस चाहिए होती है, वो सब चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। गेमिंग में इसके अंदर मैंने वैलोरेंट खेला था, आपने देखा, तो उसके अंदर मेरे को एक्सपीरियंस काफी ठीक लगा, इसका जो फुटस्टेप्स थे वो बिल्कुल सही सुनाई दे रहे थे लेफ्ट से राइट से, तो साउंड भी थोड़ी सी क्रिस्प है जो हमारे को गेमिंग में नीड होती है, अगर ज्यादा से बूम साउंड होती है तो हमारे को प्रॉब्लम होती है गेम खेलने में। तो गेमिंग के हिसाब से मैं इसको प्रॉपरली सजेस्ट कर सकता हूँ, बट म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया के लिए नहीं कहूंगा। हाँ मूवीज अगर देखोगे तो मूवीज में आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल जिस प्राइस रेंज में है इससे हम इतनी ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ये था इस हेडसेट का पूरा रिव्यू, लाइक मार देना वीडियो को पसंद आए, तो अगर बाय करने वाले हो तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप बाय कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।